कोई भी जानवर, बकरा, बकरी, मुर्गा, भैंसा कोई नहीं जाएगा। अगर जो चला गया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में एक दारोगा का पशु बेचने वालों को हड़काते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईद से ठीक पहले इस तरह के वीडियो को लेकर लोग तरह तरह का मतलब निकाल रहे हैं। मगर इससे पहले हम आपको वीडियो के पीछे की सच्चाई बताएं, उससे पहले आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। चालान 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 करते हुए वीडियो भेज रहा हूँ, बहुत टाइट करके कर दिया। ठीक है, वीडियो बन गया। कोई अंदर न चला जाए, कोई जानवर अंदर नहीं जाएगा, ये आदेश है प्रशासन के। एकता विहार कॉलोनी में कोई भी जानवर, बकरा, बकरी, मुर्गा, भैंसा कोई नहीं जाएगा। अगर जो चला गया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लोगों के रहने की कॉलोनी है, बकरे के लिए थोड़ी है। बकरे की जो व्यवस्था है हमने, ठीक है, और पूरे दिन रहेगी पुलिस आज। कोई बकरा नहीं जाएगा अंदर, ठीक है। ये वायरल वीडियो मुरादाबाद रामपुर हाईवे स्थित प्राधिकरण की आवासीय योजना एकता विहार का है। इस वीडियो में लोगों को हड़काते दिख रहे दारोगा का नाम ओम शुक्ला है, जो वहीं काशीपुर चौरा पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं, और उनके साथ दिख रहे व्यक्ति मुमताज हैं, जो उसी कॉलोनी में रहते हैं। जब हमने वायरल वीडियो की बाबत कॉलोनी के लोगों से बात की और उसकी सच्चाई पूछी, तो उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी के गेट पर एक अवैध पशु पैठ लगनी शुरू हो गई थी, जिसमें सैकड़ों जानवर कॉलोनी के मेन गेट को बंद किए हुए खड़े रहते थे और अज्ञात लोगों की भीड़ जमा रहती थी, जिससे कॉलोनी के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जिसकी शिकायत कॉलोनी सोसाइटी ने मिलकर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से भी कर दी। जी को हमने बुलाया था, यहाँ काफी दिनों से ये लोग हमारे साथ हंगामा करते थे, और उसमें ऐसा हुआ था पिछले साल भी, हमने कोशिश करी इन लोगों को समझाने की कि यहाँ बाजार नहीं लगता है, ये एकता विहार दक्षिण है, इसमें बाजार नहीं लगता, वहाँ पर एक किलोमीटर दूर लगता है। तो इसमें मतलब ये इसी तरीके से हमने बुलाया प्रशासन को, उन्होंने आए, उन्होंने आकर हमारा पूरा सहयोग किया। नहीं, कुछ वीडियो का मतलब गलत निकाला जा रहा है, क्या है कि जबरदस्ती हड़काया जा रहा है, इसके दौरान पुलिस हड़का रही है। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। प्रशासन को हमने बुलाया था और हमारी मदद की है ओम शुक्ला जी ने, जो इंचार्ज है यहाँ के, उन्होंने हमारी मदद की है। अगर उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी, बाजार कहाँ लगा? हमारी मदद, अभी बाजार नहीं लग रहा, अब आएगा तो अगले साल देखा जाएगा, अभी तो खत्म हो गया यहाँ से। तो वहीं जब इस बारे में कॉलोनी के बाकी लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही जवाब था कि अवैध बाजार को लगने से रोकने के लिए दारोगा साहब को बुलाया गया था। नहीं, वो हड़का नहीं रहे, बल्कि एकता विहार दक्षिणी जो कॉलोनी है हमारी, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ये हमारी प्राधिकरण की कॉलोनी है। अब पहले ये बसी हुई कॉलोनी नहीं थी, यहाँ खाली फ्लैट पड़े थे, खाली ज़मीन पड़ी थी यहाँ पर, लेकिन अब ये रिहायशी कॉलोनी हो गई। बाकायदा लोग कारोबार है यहाँ पर, लोग अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं, महिलाएं बच्चे टहलते भी हैं यहाँ पर, ठीक है, खेलते भी हैं पार्क में। जब अवैध पशु बाजार लगता है तो बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाता, बदतमीज़ियाँ होती हैं, अवैध वसूली को लेकर बहुत ज़्यादा, कभी कभी यहाँ हंगामा ही बहुत हो गया। यहाँ पर लोगों की जो सड़कों के पास पैरी बनी हुई हैं अपनी, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो तक टूट गई हैं, गाड़ियों में नुकसान हुआ है। इस वजह से यहाँ के लोगों ने प्रशासन को एक लेटर दिया था, प्राधिकरण को एक लेटर दिया था कि हमारी इस कॉलोनी को जो है सब चीज़ों से बचाया जाए। अवैध पशु बाजार जहाँ पर लगना चाहिए वहीं पर लगे, ना कि कॉलोनी के अंदर लगे, क्योंकि जो अवैध वसूली होती है उसका यहाँ से क्या मतलब, ये तो कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी, प्राधिकरण की बसाई हुई कॉलोनी है। बहरहाल पिछले 3 दिनों से पशुओं का बाजार नहीं लग रहा है, ये बाजार ईद के लिए ही लगाया जा रहा था, मगर दारोगा साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके साथ कई गलत दावे भी किए जा रहे थे।